चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में एक छात्रा द्वारा दूसरी छात्राओं के आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला लगातार तुल पकड़ चुका है। देश भर के छात्र छात्राओं ने गुस्सा देखने को इसमें मिल रहा है। इंडिया न्यूज ने इस पूरे मामले को लेकर कई छात्राओं से बातचीत की और ऐसे में छात्राओं का क्या कुछ कहना है ये भी जरा सुनिए। से एक शर्मसार करने वाला मामला निकलकर सामने आया है, जहां पे गर्ल्स हॉस्टल की एक छात्रा ने अपने ही हॉस्टल की 60 से ज़्यादा छात्रों का नहाते वक्त वीडियो बनाया और उसे अपने शिमला में बैठे एक पुरुष मित्र को सेंड कर दिया। सिलसिला यहीं नहीं ख़त्म होता है, वो जो पुरुष मित्र जो शिमला में बैठा था उसने ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना शुरू कर दिया। और इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके का मामला निकलकर सामने आया है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में, कैसे देखते हैं इसको, क्या कैसे हैं ये, शर्मसार है ये मामला? ये बहुत ज़्यादा शर्मसार है। यदि एक लड़की किसी लड़की के खातिर ऐसा करेंगी तो ये सबसे ज़्यादा तो लड़की के लिए बेकार है। मतलब ऐसा होगा तो मतलब बोलने में भी शर्म आ रही है। मतलब ऐसा क्या बोलूँ मैं कि मतलब उस लड़की को इतनी कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ना, कि मतलब उसको देख के और लड़कियाँ जो छोटी जनरेशन आ रही है वो भी ऐसा कुछ करेंगी, फिर तो ये गलत है ना। मतलब आगे प्रोसीजर बढ़ता रहेगा ये तो इस वजह से मतलब ये बोलने में बहुत बेकार लग रहा है। कलकर सामने आया तो कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिला कि प्रशासन द्वारा इस बात को दबाने की कोशिश की गई, आखिर ऐसा क्यों किया गया? अगर प्रशासन इन सब मुद्दों को दबाएगी तो लड़कियां मतलब बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और गर्ल्स हॉस्टल में ये चीज़ें होती हैं तो वो तो बाहर सार्वजनिक स्थान पर तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। अगर लड़कियाँ लड़कियों के साथ ऐसा करती है तो वो किसी लड़के से तो क्या ही एक्सेप्ट करेंगी। तो ये तो बहुत मतलब प्रशासन को इस चीज़ को दबाना नहीं चाहिए, इस मुद्दे को बाहर निकालना चाहिए और जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी सजा देनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। जब हॉस्टल की लड़कियों द्वारा और प्रशासन के खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया गया तो उन जो तीनों इस तरीके की हरकत करने वालों को अरेस्ट कर लिया गया, क्या लगता है किस तरीके की जो सजा है वो उनको देनी चाहिए? उन लोगों को अरेस्ट करा गया है, ये बहुत ही मतलब लड़कियों के साथ इतना गुनाह किया गया है, ये बहुत ही शर्मनाक है। तो उन लोगों को ना कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आगे तक लोगों को बात अपनी प्रोटेस्ट कर रही है तो उनको न्याय जरूर मिलना चाहिए, हम बोलना चाहेंगे। जी देखिए, इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं पूरे देश भर की जो छात्र हैं उनमें कहीं ना कहीं है जो रोष साफ तौर से देखने को मिल रहा है, गुस्सा है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। जरूरत है प्रशासन को अलर्ट होने की, पुलिस को कार्रवाई करने की, राजनीतिक जो पार्टियां हैं उनको आगे आने की और इस पर सख्ती से कार्रवाई करने की। कैमरा पर्सन तनुज के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज जयपुर। और एक साथ रहने वाली अन्य लड़कियों की फोटोज उन्होंने वीडियो में निकाल करके स्नान गृह में बाथरूम में उनकी वीडियो बनाया। हालांकि कल के स्टेटमेंट मैंने देखी थी, उधर के एसएसपी वगैरह ने कहा है कि उस लड़की ने अपनी खुद की ही फोटोज दिया है, वीडियो बना करके दिया है और किसी अन्य लड़की का नहीं है। पर खुद की हो किसी अन्य लड़की की हो, बच्चियां सारे हमारे हैं, किसी के साथ इस तरह की बात होना नहीं चाहिए, एक विश्वासघात की बात है। और लड़कियां इस तरह क्रिमिनल माइंड के साथ उस लड़की ने कैसे काम किया, और जो लड़कियां गर्ल्स हॉस्टल में भी सुरक्षित नहीं है, घरों में भी सुरक्षित नहीं है, तो लड़कियां फिर कहां सुरक्षित है? जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी भी लोगों की यही सोच है कि वो अपनी बच्चियों को बेटियों को बाहर पढ़ने ना भेजे, बट फिर भी माँ बाप इतना हौसला रखते हैं कि हाँ मेरी बेटी कुछ बनेगी कुछ करेगी, वो लोग उन्हें भेज देते हैं। और फिर यदि उनकी कोई सहसाती उनके साथ ऐसा करती है, उनके वीडियोज बना के वो वायरल करती है, तो पेरेंट्स को भी माता पिता को भी एक बार की लगता है कि कहीं हमने हमारी बच्ची के साथ कोई गलत नहीं कर दिया उसको बाहर भेज के, क्योंकि वो माता पिता है, उनको हर चीज की टेंशन रहती है। देखिए, मेरा मानना ये है कि दोनों ही मत हो सकते हैं, वो लड़की भी किसी प्रेशर में हो सकती, उस बात को जानना भी जरूरी है, दोनों बातों को जानना अच्छा रहेगा। इसका मतलब जो भी है इसका एक बहुत अच्छे तरीके से पूरा तहकीकात से अच्छे से निष्पक्ष न्याय होना चाहिए, पूरी तहकीकात से जांच होनी चाहिए, इसका पूरा अच्छे से पता लगाना चाहिए कि उस लड़की के करने के क्या रीजंस रहे। मैं ये नहीं कह रही कि वो लड़की ठीक है, वो लड़की भी गलत हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, बट दोनों